कहानी है हम जैसे एक इंसान की, जो अपने घर परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, उन्हें खुश देखना चाहता है। हमारी कहानी दर्द इसी जद्दोजहद के बीच के सफर की कहानी है। हेलो, हाँ हेलो, हाँ राकेश भाई, हाँ अब्दुल, अब्दुल अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ हो गया, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और पासपोर्ट की कॉपी लेके सुबह में आ जाना। कल ही आ जाऊँ? अरे बहुत बढ़िया राकेश, आपको मालूम नहीं आपने कितना बड़ा मेरा काम कर दिया। ठीक है ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। बड़ी कोशिशों के बाद एक दोस्त के जरिए से एक नौकरी मुल्क के बाहर की मिलती है। जैसे हर इंसान अपने मुल्क में रहकर सोचता है, ठीक उसी तरह अब्दुल ने भी यही सोचा कि यह नौकरी उसकी जिंदगी बदल देगी और अपने घर परिवार को वो सब दे पाएगा जो एक अच्छा पति या एक अच्छा बाप दे पाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो बहुत गंदा है। नींद कहाँ आई है भाई? यहाँ सब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ वो बहुत आराम है, बहुत तुम लोग कोई फिक्र नहीं करो, आराम से रहो। ठीक है भाई, एक सैंडविच मिलेगा। जिंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर। खैर अब जैसी भी होनी है बसर हो जाएगी। तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी सो अब चखो मजा। मैं ना कहता था दुनिया दर्द सर हो जाएगी। यार उसको भेज दो अंदर। क्या? मैं वो इंडिया से आया ना। क्या काम करते? मैं ऐसा 3 साल मैं ड्राइवर था और 2 साल ऐसा ऑफिस में क्लर्क का काम किया मैंने। अच्छा यहाँ की मालूमात है? फर्स्ट टाइम आया मैं, मेरे को इतना आइडिया नहीं है का। एक काम करो, हाँ जाकर सिगरेट लेकर आओ। सुन कौन सी सिगरेट लाएगा पता है तेरे को? नहीं मालूम। तो फिर कैसे गया? पहला दिन है ना तेरा। हाँ सर। तो बराबर काम कर, नहीं तो आखिरी दिन बना दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, मैं सब सुनेगा सब सीखेगा। बताओ क्या? जा बात, वो आदमी बैठा है ना रिसेप्शन में, उसको कुछ पता है उसको कौन सा सिगरेट है? हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी। हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ अपनों का शिकार आदमी। रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नया दिन नया इंतजार आदमी। जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। और सर पंडित जी? हाँ जी। क्या सर? वो जो मैं
मैंने आपको कहा था वो बिल्कुल हो जाएगा काम। अरे गुरुजी बिल्कुल आपका काम हो जाएगा आराम से। यार चाय तो मेरी भी खत्म हो रही है। अरे आ जाइए। बेवकूफ समझ में नहीं आता। हम तसव्वुर में तुझे पास बुला के रोए, तेरे हाथ को सीने से लगा के रोए, हजार बार पुकारा तुझे शबे तन्हाई में, हर बार तुझको पास न पाकर रोए। आखिर वही हुआ जिसका डर था, अब्दुल की बीवी की मौत हो गई। सर सर सुनो पास सुनो सर, मुझे जाना है, कैसे मैं अपना पासपोर्ट मुझे दे दो सर प्लीज। अब बताएगा भी क्या हुआ? मेरी वाइफ मर गई, कुछ दे दो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पासपोर्ट दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। अभी यहाँ से तुम जा नहीं सकते क्योंकि मुझे काम है। अरे यार मैं ऐसा नहीं करूँगा।
मेरी खुशी के लम्हे इस कदर छोटे हैं यारों, गुजर जाते हैं मेरे मुस्कुराने से पहले। अरे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अरे उठो उठो उठो। अरे 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 रो मत रो मत रो मत रो मत। अब्दुल क्या हुआ, बात करो, क्या हुआ, रो मत, पहले रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ, बात बताओ, क्या हुआ? मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि। क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? तो आप इधर आओ, जाओ इंडिया जाओ। मुझे इंडिया जाना है, लेकिन सच्ची मुझे जाने नहीं दे रहे, पासपोर्ट भी नहीं दे रहे। इतना जाने बाद भी तुम फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ। बहुत मेहरबानी हो गया। आने तो सब आज पता था। अरे यार तुम लोग ने क्या कर दिया, क्या कर दिया उसकी बैट बैट। मेरी बात सुन। फोन रख मेरी बात सुन। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें करता हूँ। उसके साथ क्या किया, तुम्हारा एम्प्लॉई वो? किसके साथ? अरे मैं अब्दुल की बात कर रहा हूँ। अब्दुल? अरे यार उसकी बीवी मर गई है, छोड़ो यार अभी क्या। अरे उसकी बीवी मर गई और तुम ऐसे बोल रहे हो? अरे ये लोग ऐसे ही पैदा होते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह। अरे क्या बात कर रहे हो, पहले तो ऐसा नहीं था, तू थोड़े से पैसे आ गया तो बदल गया। अरे यार तू यार छोटी छोटी बातों के। अरे छोटी सी बात है। किसी की बीवी मर गई, उसको चेहरा नहीं देखने मिला तेरी वजह से। तूने पासपोर्ट नहीं दिया, उस बेचारे ने पैसे मांगे, तूने पैसे नहीं दिए। क्या तेरे को क्या करने का उससे, वो मेरा एम्प्लॉई है ना। ओके तेरा एम्प्लॉई तो इंसान नहीं है क्या? इंसान नहीं है वो? तेरे जैसे आदमी से मुझे कोई रिलेशन रखना ही नहीं है, ना बिजनेस का ना दोस्ती का। और आखिरकार अब्दुल बड़ी मुश्किल से, बड़ी परेशानियों के बाद अपने घर वापस पहुंचता है। जो गीत तुमने सुना नहीं, वो मेरी उम्र भर का रियाद था। मेरे दर्द की थी वो दास्तां, हंसी में जिसे तुम उड़ा गए। अपने मर्जी से कहां अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं।
वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहां के हैं किधर के हम हैं। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। हम वहां हैं जहां कुछ भी नहीं रास्ता न दयार, अपने ही खोए हुए शामो शहर के हम हैं।